हिसाब से जिस एंगल पे चाहे सेट करके यहाँ से टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से करके आप इसको टाइट कर लीजिए, चाहे इस तरह से करिए डायरेक्ट नीचे फोकस करेगा, ऐसे करेंगे थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ये बादलों की तरह ज़्यादा दिखे, अपने हिसाब से कर सकते हैं आप इसमें जो आपको ठीक लगे। बाकी ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद अब जब ये फ्लाई करेगा, इस कैमरे को लेकर फ्लाई करेगा, कैमरा भी सेफ है इसके अंदर, और इसके अंदर ये अटैचमेंट दिया हुआ था, अलग से भी मार्केट में मिल जाता है आपको। ये लें देखिए, डबल है ये, टाइट लेते हैं, इसके बाद ये रबर से अटैच है, जो वाइब्रेशन होगी देखेंगे आप सामने देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक लॉक कर लेता है और ज़्यादा फोटो शेकिंग वीडियो जो होती है शेकिंग नहीं आती है। और ये कैमरा आपका, मैंने वीडियो दिखाया था, आपके सेलफोन से कनेक्ट हो जाता है, तो इसकी जो भी रेंज है 30-40-50 मीटर तक, ये आपको वहाँ से कंट्रोल आपको सिग्नल देता रहेगा, अपने सेलफोन से ही रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही सस्ता और टिकाऊ तरीका है, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बजट कम है तो फिर आप इस ऑप्शन पे आइए, आपको अच्छी फोटोग्राफी भी करने को मिलेगी और ड्रोन भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हेलो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं इस टाइम के ड्रोन मैं कौन सा लूँ और कौन सा सस्ते में अच्छा मिल जाएगा, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट अच्छा है और आपको 1080p तक चाहिए तो DJI स्पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आपके अप्रॉक्स जो मान के चलिए 50,000 तक आपको खर्च हो जाएगा, लेकिन जो उसमें 4K कैमरा होगा वो उसी में रहेगा और सिर्फ आप उसको ड्रोन में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको लास्ट वीडियो बनाया था आप उसको देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ड्रोन आपका अलग हो और उसमें कैमरा जो आप हो एक्सटर्नल लगा सकें। उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है कि जो गिम्बल वगैरह होता है, जो गिम्बल कंट्रोल, वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये कि आप उस कैमरे को, जैसे एक्शन कैमरा मान लीजिए कि हम लोग GoPro है SJ Cam का उसमें लगा के और उसको ड्रोन के साथ फ्लाई कराते हैं, उसमें क्या होता है क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, कैमरा भी अच्छा है, 160 डिग्री तक उसका वाइड एंगल है, सब कुछ है, और जब यूज़ ख़त्म होता है कैमरे को वापस निकाल के उसको हम अपने किसी और काम में, मान लीजिए बाइक पे लगा के या कार पे लगा के कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। इसे आप कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हैं और सस्ता भी है, मान लीजिए कि 12-15 हज़ार 20 हज़ार का मान लीजिए कि अगर ड्रोन मिल जाता है उसमें आप 15-20 हज़ार का 25 हज़ार तक का कैमरा इस तरह का लगा सकते हैं, तो आपका ये 50,000 में तैयार तो होता है, लेकिन आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप का ज़्यादा अच्छा बजट है तो DJI पैंथम है और बहुत सारे इस तरह के हैं, लेकिन वही है कि जो पूछता है जाहिर है कि मैं इस तरह से करूं क्या करूं, तो इसका मतलब ये उसका बजट उतना ज़्यादा नहीं है। जब बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर उसको सस्ते में ही अच्छा चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है कि अगर आप मेरे कहना पे कर रहे हैं तो आजकल बहुत से ब्रांड आ गए हैं जो ड्रोन दे रहे हैं जिसमें ये देखिएगा कि जिसमें मोटर है वो कम से कम 100 KV की होनी चाहिए ताकि वो आपका अप्रॉक्स 100 ग्राम तक का कैमरा को लेके ईजिली फ्लाई कर सके, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सस्ते में मान लीजिए 800, 750, 750 KV का मोटर होगी उसमें, जो 4 मोटर्स लगी होती हैं, अगर वो होंगी तो फिर वो उतना अच्छा फ्लाई नहीं कर पाएगा और डिसबैलेंस होगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए शायद, मतलब उतना ज़्यादा वो लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। तो ये आप देखिए कम से कम 1000 KV की मोटर हो, प्लस जो उसकी बैटरी हो मिनिमम कम से कम 2200 mAh की होनी चाहिए ताकि कुछ देर तक फ्लाई कर सके। बाकी पहले 11.1 पे चलता था, अब जो है जान रहे हैं 7.1 पे भी चलने लगा है, पर ये है कि जब मोटर हैवी होगी तो उसको बैटरी भी हैवी चाहिए होगी। ये सारी चीज़ों को देख के लीजिए, जैसे साइमा 5C है, 8C है, ये अच्छे ड्रोन हैं, इनमें कैमरा तो बहुत अच्छा नहीं है मान लीजिए, पर फिर भी ये है कि इसमें ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है नीचे अलग से आप जो है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी था आप कैसे उस अपने कैमरे को उसमें हैंग कर सकते हैं, वो पूरा अटैचमेंट आता है, आप उसको अलग से मंगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा होगा, बढ़िया सौदा भी होगा आपको, कम पैसे में अच्छा नहीं, आप मान लीजिए बना हुआ इनबिल्ट कैमरा लेंगे तो आपको मिनिमम 50,000 DJI स्पार्क जो कि सबसे बेस है, मतलब मान लीजिए जो वीडियोग्राफी का, उससे फिर उसके बाद तो फिर मैविक प्रो है, मैविक एयर है और क्या बोलते हैं प्रोफेशनल, ऐसा कई हैं जो कि फिर रेट बढ़ता चला जाता है। अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो और अच्छी आपको क्वालिटी चाहिए तो फिर ये सबसे बेस्ट तरीका है।
और उसमें आपको 4K कैमरा तक जाना है। आजकल जो GoPro 5 और ये सब आ रहे हैं, एस जे कैम का 8 है, 6 प्रो, ये सब में 6 लीजेंड है, इन सब में 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है। तो अगर 4K पर रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है। मैंने एक दो वीडियो डाली भी हैं तो आपने देखा भी होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप जो भी ड्रोन लीजिए उस पर देख लीजिए अलग से कैमरे को हैंग करने की उसमें ऑप्शन हो। उनका जो कैमरा होता है दोस्तों, वो अगर आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार में ले रहे हो तो वो कैमरा, जैसे आजकल एक मॉडल आया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक्सी ड्रीम, जिसको वो DJI स्पार्क के कंपैरिजन में उतार रहे हैं। मैंने देखा उसके ऊपर कैमरे में वो दम नहीं है। अब आप ये समझिए कि रेट भी काफ़ी लग रहा है और उसमें कैमरे में दम उतना नहीं है। तो उसी चीज़ में अगर आप सिर्फ एक अच्छा सा ड्रोन ले लीजिए, अलग से उसमें कैमरे का ऑप्शन रखिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और आप अगर प्रोफेशनल उससे और बिजनेस उससे कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, अगर आप DJI पैंथम 4 पैंथम 3 जो लाख रुपए का 1.5 लाख का है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते फिर भी आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो जो मैंने किया, क्वालिटी की हर किसी ने तारीफ की कि कैमरा बहुत अच्छा है दोस्तों, वो सिंपल सा ही ड्रोन है जो मैंने परचेस किया, उसमें अलग से कैमरा लगाता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने मुझसे इस पर राय लिया था तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको करके देखिए। तो नॉर्मल से ले लीजिए, बाकी ये जो आजकल असेंबल आ रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, मैं भी करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा। सारे पार्ट्स सब वही कंप्यूटर पार्ट्स इसमें भी लगते हैं, इसमें भी मदरबोर्ड होती है, इसमें भी रेडियो ट्रांसमीटर होता है, रिमोट होता है, सारा कुछ वही सब होता है। वह असेंबल हो जाएगा, नीचे आपको अलग से कैमरा ब्रैकेट लग जाता है, उसमें कैमरा होल्ड करके अगर आप चाहेंगे तो उसमें आपको क्या बोलते हैं गिम्बल कंट्रोल मिल जाए, तो जो कि ऊपर जाके हिलेगा नहीं, कैमरा एकदम फिक्स रहेगा, सिर्फ ड्रोन ही होल्ड करता है, वो एक तरह का पूरा समझिए कि अटैचमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें अलग से भी लगा सकते हैं, उसमें ये एक ऑप्शन होता है, आप बैटरी जो है 5000 mAh तक की लगा सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है। क्योंकि ये मान के चलिए अगर आप सस्ते ड्रोन देख रहे हो तो आप ये देख लीजिएगा बैटरी कितनी है, कितना फ्लाई करेगी, मोटर क्या है। अब हम लोग तो खैर इसमें हैं तो जान लेते हैं कितना ये फ्लाई करेगा, क्या ऊपर एयर में कितना कैसा ये फिक्स रहेगा, वो सारा कुछ ये आप देख लीजिए। क्योंकि एक बार लेने के बाद फिर जान रहे वापसी नहीं है, फिर वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल उस पर मान लीजिए कि आपका बिजनेस ही यही है फोटोग्राफी, उस पर्पज से ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उसमें अच्छे से अच्छा कैमरा अलग से लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको सस्ते में काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप समझ रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। क्या क्या केस को जो है ये स्क्रू पे देखिए टाइट कर दिया गया, यहाँ पे स्लॉट दिए गए थे, उसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट साथ में दिया, मैं दिखाता हूँ, उसमें कैमरे को रख के और इसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, सस्ता भी पड़ जाता है, आपका काम भी चल जाता है, जो काम आप 1-1.5 लाख में करेंगे और आपको करीब करीब वैसे ही क्वालिटी आपको 25-30 हज़ार 40 हज़ार में भी मिल सकती है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कौन सा मैं ड्रोन लूँ, मैं क्या करूँ, तो इस ड्रोन में भी देखिए सारा कुछ है, इसमें भी GPS है, जब जहाँ पे फ्लाई जोन होता है ये वहीं पे उड़ता है। बाकी बैटरी भी देखिए इसकी काफ़ी बड़ी दी हुई है, देखिए इसमें बैटरी ये दी हुई है 3000 mAh 11.1 volt 30C लिपो बैटरी, जो कि आराम से मान के चलिए कि 15 मिनट प्लस उड़ती है, इसमें दो बैटरी है तो ये आराम से 25 मिनट तो उड़ ही जाता है, आराम से फ्लाई कर लेता है। बाकी विंग्स वगैरह देखिए सब निकाल के रख दिए जाते हैं जब ज़रूरत होती है, इसके विंग्स दिए हुए हैं। इसमें DJI पैंथम 3 का इसमें विंग्स लगे हुए, इसमें मोटर चेंज करा दी गई थी और इसमें जो है अब बिना स्क्रू टाइट किए, मतलब अलग से कोई रिंच नहीं लगानी होती, डायरेक्ट सीधे जो है इसको आप घुमाते जाएंगे टाइट हो जाएगा। किसी वक्त मैं फिक्स करूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद बैटरी, इसको ओपन करके बैटरी पीछे लगा कनेक्ट कर दी जाती है, तो बहुत इजी है, कोई वो नहीं है। और रिमोट को मैंने आपको दिखाया भी था एक बार पूरा कैसे फ्लाई करते हैं, वो वीडियो देखिएगा, उसमें मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल है इसको। अभी तक अगर एक दो बार क्रैश हुआ भी है थोड़ा सा ऊपर से, तो मेरी गलती से हुआ है क्योंकि बैटरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, अदरवाइज बहुत अच्छा होल्ड करता है, बहुत अच्छा कंट्रोल है इसमें। और मैं कैमरे का आपको दिखाता हूँ कैमरे कैसे इसमें होल्ड करते हैं। देखिए एक तो 7 में इन्होंने दिया है, इस जो ब्लेड होराइज़न कंपनी का USA की है उसका ड्रोन है, उन्होंने 7 में ये ब्रैकेट दिया हुआ है कैमरे को इसमें फिक्स करके यहाँ पे हैंग करने के लिए।
यहाँ पे लगा के हैंग कर दिया जाता है। ये भी ये साथ में मिला हुआ है कि आप कहेंगे मैंने ड्रोन इधर उसे लिया तो मुझे उसको कहाँ से मिलेगा। ये जो आप कोई भी एक्शन कैमरा लेंगे उसकी किट में ये ब्रैकेट भी आता है, पर ये उतना अच्छा नहीं है। देखिए ये पूरा फिक्स है और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एंगल है, कई तरफ से ये फोल्ड हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता, इसमें ऐसे ही रखना होता है कैमरा। बाकी ये सारे स्विचेस होते हैं साइड से, आप इसको कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कैमरा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना होता है। ये कैमरा है और ये इसमें रख के और यहाँ पर लगा के इस स्क्रू को बाहर निकाल के और ये इसको इसमें लगा के टाइट कर दिया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं।